हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में जो नया प्रोडक्ट है जो इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ वो है प्लम का न्यू लॉन्च्ड ग्रीन टी एंड AHA PHA BHA एक्सफोलिएटिंग पील। आज मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी दूंगी कि इसे कैसे यूज़ करना है और इसे कितनी देर लगाना चाहिए, कितनी देर नहीं लगाना चाहिए और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारी बातें आज हम करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और मेरे वीडियोस को और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आज तक आपने एक्सफोलिएटिंग पील कोई भी केमिकल बेस्ड या फिर किसी भी तरीके का यूज़ नहीं किया है और आपको नहीं पता इसका काम क्या होता है तो मैं बताऊँ आपको कि एक्सफोलिएशन जो होता है उसका मेन काम होता है आपकी बाहर की जो ये लेयर होती है स्किन की, इसे नेचुरली वे में वो आपकी जो डेड सेल्स जमा हो जाती हैं और अनइवन स्किन होती है उसकी वो बाहरी परत जो स्किन की होती है उसे हटाता है और उसके अंदर की जो परत होती है इवन ग्लोइश उसे वो बाहर लाता है। यही काम होता है एक्सफोलिएशन का। AHA BHA और PHA इसमें तीन चीज़ें पड़ी हुई हैं और बात करते हैं सबसे पहले AHA की जो इसमें 10% पड़ा हुआ है। AHA का मेन काम होता है हाइपर पिगमेंटेशन को सही करना और जो आपकी स्किन में अन ईवन स्किन होती है जो आपकी उसको सही करने का काम करता है। ये मेन काम होता है AHA का। और अब बात करते हैं BHA की। BHA का मेन काम होता है वो आपकी स्किन में अंदर तक जाता है और जो आपके क्लॉग्ड पोर्स होते हैं उन्हें खोलने का काम करता है। BHA का मेन काम होता है आपकी स्किन में बिना किसी भी तरीके की स्वेलिंग या रेडनेस को लाए बिना आपकी ऊपरी परत को हटाना और मेन एक्ने प्रोन स्किन के लिए सबसे अच्छा एसिड होता है। इसमें नियासाइनामाइड और लिकोराइज भी हैं जो आपकी स्किन से दाग धब्बे हटाने का काम करता है। कुल मिलाकर इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आपके स्किन में प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे बचाने का काम करता है, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। इस प्लम के प्रोडक्ट में क्या क्या बेनिफिशियल चीज़ें हैं वो मैंने आपको सब बता दी हैं कि किस तरीके के केमिकल्स यूज़ हुए हैं, क्या एसिड्स पड़े हुए हैं, उनका क्या बेनिफिट है आपके स्किन के लिए। और अब मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखा देती हूँ कि ये इसकी पैकेजिंग है। ये 30 ml की पैकेजिंग में आता है और ये प्रोडक्ट आपको सिर्फ वीक में एक बार ही लगाना है। ये ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है, हाइपर सेंसिटिव स्किन के लिए एडवाइस नहीं किया गया है। ये इस तरह का है, ये इसका MRP 620 है। इसमें 2 साल की आपको शेल्फ लाइफ मिलती है प्रोडक्ट की। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा दिखता है। ये ऐसा है और ये ऐसे ट्रांसपेरेंट सा है। आपको इसे यूज़ कितना करना है? आपको इसे बहुत सारा यूज़ नहीं करना है, आपको यूज़ करने के लिए बस 2 से 3 ड्रॉप्स या फिर 3 से 4 ड्रॉप्स, इससे ज़्यादा नहीं। इतनी ही ड्रॉप्स जो एक हल्की सी आपको लेयर जैसी बन जाए, आपको हल्के से फिंगर टिप से ऐसे करते हुए आपको लगाना है अपने स्किन पर और आपको इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपको इसे अच्छे से वाटर से वॉश कर लेना है, प्लेन पानी से, गर्म नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है और आपको अगर अगले दिन नेक्स्ट अगर आप धूप में जाते हैं तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है, क्योंकि जो AHA और BHA होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, आपकी स्किन को सेंसिटिव कर देते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी स्किन का केयर ज़्यादा करना होगा। ये आपकी स्किन को सेंसिटिव कर देते हैं इसलिए इसमें रेकमेंड किया गया है कि आप इसे नाइट में लगाएं तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और इसका रिज़ल्ट एक दिन में नहीं आता है, आपको कम से कम 1 से 3 दिन लग जाते हैं, 2 दिन पता करने में कि हाँ ये आपके स्किन पे इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो, वैसे तो ये ऑल स्किन टाइप प्रोडक्ट है, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है और आपको बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको सूट नहीं करती हैं तो इसमें पैच टेस्ट रिकमेंड किया गया है जो आप ज़रूर करें। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको ये हेल्पफुल रहे।
और मेरा वीडियो अच्छा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।